तुम कमल ठाकुर के दरबार में आए हो, टेंशन छोड़ो, ऐश करो। एक्सक्यूज मी, ठाकुर है क्या? ठाकुर साहब घर पर है, बैठिए। इन सभी को देख रहे हो, ये कमल ठाकुर के भाई है। राडिया है, राडिया इंडस्ट्रीज, राडिया एक्सपोर्ट्स, राडिया। ए, पानी पिला रहे। चंदन की लाल लकड़ी के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे सारे ट्रक आपके गांव होकर बॉर्डर पार जाते हैं। अगर आप कहें तो हम आपको 40% शेयर देंगे, यानी के बैठे बिठाए करोड़ों की कमाई। वेस्ट मत कर। मैंने कुछ कम बोला क्या? महंगाई बढ़ गई है, ज्यादा रस्सी वेस्ट मत कर। ठीक है भाई, क्या भाव से लिया? आप किस चीज की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच दच के जो आया है। अच्छा सोना, ये तो मेरा शौक है। दरअसल बात परमिट की है और आप मेरे परमिट हो। आपका एक इशारा और कोई भी उन्हें चेक पोस्ट पर एक भी सवाल जवाब नहीं करेगा। पर काम साइलेंटली होना चाहिए। मैं आपको 50 करोड़ दूंगा। इतना पैसा देगा तुम? अरे सुन बबलू। जी भाई। अपने चंदन खाते में कितना पैसा है बता रहे इस बबलू को? हाँ भाई, मैं आपसे करोड़ों के सौदे की बात कर रहा हूँ और आप है कि बैल और रस्सी की बात कर रहे हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो जाके जुलाब की गोली ले ले। चंदन के पेड़ काट कर तू उसकी स्मगलिंग करना चाहता है। मुझे हजम नहीं हुआ। गरीब किसान को बेरहमी से मारकर तुम्हारे ट्रक उनकी खेती उजाड़ दे, ये मुझे हजम नहीं। ये लंगूर मुझे घूर रहा है, ये आया साला मुझे हजम नहीं। ये इंसानियत का दरबार है, तेरे जैसे हैवानों का नहीं। इसलिए तेरा ऑफर मुझे हजम नहीं हुआ। 12 राज्यों में मेरा यही कारोबार धदेले से चल रहा है। हर गांव में मुझे एक ठाकुर मिल ही जाता है। तुम्हें अगर खटक रहा है, मैं किसी और ठाकुर को ढूंढ लूंगा। ठाकुर तो तुझे बहुत मिल जाएंगे, पर कमल ठाकुर एक ही है। भैया ने जिस काम के लिए मना कर दिया वो काम कोई भी नहीं कर सकता। ए ठाकुर, आज भी थारे पास कट्टा और लाठियों के अलावा कुछ ना है, और मारे पास मशीन गन और मिसाइल है। अगर एक मिसाइल दाग दी ना तो गांव उड़ जावे।
गुस्सा हो या हथियार समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसे माफ कर दो प्लीज ठाकुर, वो मेरा छोटा भाई है। तो बड़ा कर उसे, संस्कार डाल उसमें, यहां दोबारा आए तो गाड़ दूंगा दोनों को।